आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं फिर से एक वीडियो लेके आ चुकी हूँ। ये वीडियो में आप लोग देख रहे हैं और देखेंगे मेरे मतलब जो मैं कल 1 तारीख था तो कल मैं प्रिपेयर कर रही थी, सारे सब सफाई हो रहा था मेरे घर में, तो आप लोग वो चीज़ देखेंगे। मम्मी और मैंने मिलके पूरा साफ़ किया था किचन, जो पहले से सारा रूम तो पहले साफ़ हो चुका है, बस किचन बाकी था तो कल हम लोग वो साफ़ कर रहे थे। और देखिए मैंने कैसे कैसे सारा थिंग्स ऑर्गेनाइज किया और क्रोकरी का यूटेंसिल्स मैंने ऑर्गेनाइज किया। एंड गाइस दिस इज़ द डायरी। तो एक साल पहले मैं ऐसे खेलती थी, मैं अपने बाबी रेस्टोरेंट पता नहीं क्यों ऐसे, ये कोई मतलब ऐसे ही रखा गया मेरे डायरी, मतलब फ्रेंड्स टाइप का डायरी। तो मैं मतलब 2 दिन पहले जब घर सफाई हो रहा था ना, मुझे नज़र आया एंड देन मैं इसको ली और 29 अक्टूबर से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये सब मेरे स्पेशल मैम्स हैं जो मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, और स्पेशल सर का भी नाम मैं आगे लिखूँगी। ये है 30 तारीख का सैटरडे का मतलब लिखी हूँ जो मेरे साथ क्या हुआ था स्कूल में, मैं सब लिखती हूँ। और ये 1 तारीख का मंडे का, स्कूल नहीं गई थी तो इसलिए मैंने, क्योंकि मैं अपने मम्मी का मदद कर रही थी ही। बस एक फ्रेंड वो है अक्षरा, और बाकी सारी क्लासमेट्स है दोस्त, एक्सेप्ट वो 2 गर्ल्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एंड आई डोंट लव देम, बस यही। तो इसलिए मैं ये डायरी को यूज़ करती हूँ अपना सीक्रेट, या फिर मुझे कुछ दुख होता तो लिख लेती हूँ। मतलब देखिए बहुत क्यूट डायरी है, तो बस यही। और भी 3 बज चुका है, बाहर का मौसम बहुत मतलब अच्छा है, और ये सब देख सकते हैं मेरा यहाँ पे बहुत सारा सामान है। ये टेबल को भी ठीक करना है तो मैं इसे आज ठीक करूँगी, क्योंकि आज तो मैं स्कूल नहीं गई थी, ये सब कांड करना पड़ेगा, थोड़ा तबीयत भी ख़राब लग रहा था इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। तो आज पक्का इसको ठीक कर लूँगी, उसके बाद फिर ये सब ठीक करना बाकी है, बहुत ख़राब मतलब पूरा बोलूँ आपको। और इधर मेरा खरगोश दोनों महाराज रेस्ट कर रहा है दोनों खरगोश, और ये लोग का भी जगह मतलब ठीक करना, देखिए इतना गंदा हो गया, ये लोग का भी स्पेस ना साफ करना होगा। और मतलब रूम भी पूरा ठीक करना, खराब रूम तो बेस्ट बजने वाला है। मेरे आ चुके हैं और मेरे पापा एक चीज लेके आए, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि दिवाली आने वाला है तो हम लोग के घर में दिया होता है दिवाली का, वो सारा खरीदा के पूजा रूम में सब रखा चुका है। मतलब मेरे गाँव है उसमें बहुत सा पॉटर्स है, वो सब बनाता है मिट्टी का घड़ा बड़ा कुछ बनाता है। तो मैं बोली थी कि पापा लेते आएगा मेरे लिए छोटा सा मिट्टी का बैंक, छोटा नहीं बड़ा सा, तो पापा लाए वही। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये वो बैंक, और ये बहुत बड़ा बैंक है, मतलब क्या इसमें बहुत सारे पैसा रख सकती हूँ मैं अभी। एक छेद भी है, इससे पैसा जाता है, यहाँ पीछे इसका है मतलब हैंडल, और ये बहुत बड़ा मतलब एक मटका जैसा है बिल्कुल, तो उसमें बहुत सारा पैसा भी अटेगा। तो चलिए, तो ये रहा मेरा बैंक, और अब से मैं डालने वाली हूँ इसमें पैसा, तो जब ये भर जाएगा तब मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी दोस्तों। अभी तो नहीं पड़ेगा, 1-2 साल में पड़ जाएगा, तो तब मैं इसको फोड़ूंगी तब और मज़ा आएगा। बैंक
बहुत सारा था मिट्टी का और हाउस शेप का, लेकिन वो सब टूट गया है। तो मैं वो बचपन में रखा ही लिया था 2 दिन पहले। तो ये छोटा सा बैंक है 25 रुपये, ये 25 रुपये का और ये 20 रुपये का है, तो इससे 5 रुपये कम है। तो आई थी एक दादी तो वो इसे बेच रही, और ये भी मेरे भाई इसके लिए जिद करने लगा, तो मुझे बड़ा मिला और 20 रुपये में। तो ये मिल इसमें मैं पैसा अपने रख जाती हूँ ट्रांसफ़र करने। तो चलिए उससे पहले मैं सिक्का डालूँगी। ये है मेरे सिक्का सारे, तो मैं कुछ सिक्का डाल के देखती हूँ उसमें। तो ये रही मेरी मम्मी पैसा दिए, सबसे पहले हम लोग जाते हैं राइट हैंड से डाले। तो ये रहा फर्स्ट मनी, फर्स्ट मनी, फर्स्ट मनी मेरा। इसका नाम पर रख देते, उसके बाद इसको मैं खाना खिलाऊंगी। इसका नाम मैं रख रही हूँ आज से टिगी। तो टिगी में मैं पैसा डाल रही हूँ 10 रुपया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 10। मेरा भाई 2 रुपये डाल रहा है, डल गया। अब मेरी मम्मी डालेगी, डल गया। डालो डालो, भरो भरो, हमारे टिगो को भूख लगा है। हम दोनों टिगो को खिला रहे हैं, नोट भी है। खरगोश को ला, खरगोश पहले हमारी स्वीटी डालेगी पैसा। स्वीटी, स्वीटी डालो पैसा, स्वीटी स्वीटी डालने नहीं चाहती है पैसा। हम लोग बुद्धू है, खरगोश से डलवा रहे पैसा, पैसा ही खा जाएगी स्वीटी। मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और अभी बज रहा है 4, लेकिन मेरा स्कूल में छुट्टी हो गई था 12 बजे, क्योंकि आज धनतेरस है। तो कल छोटा दिवाली है, इसलिए यहाँ अच्छा लाइट आ रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ छत पे अभी। और मेरी मम्मी घूम रही है या, इसलिए आपको पायल का आवाज आ रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर। और मेरा भाई गया हथौड़ा लेके, इसलिए भी चिल्ला रहा था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। भाग गया तो ऊपर जाने का कोई खास नहीं है। लाइट के लिए लाइट लगवाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट यूज हुआ था बार बार यहाँ पे, कि वहाँ पे है बोर्ड, वहीं पे लाइट लगवा है। चलिए छत पे, छत पे, छत पे चलते हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ छत पे और अभी मैं जा रही हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है।